ध्यान अराउंड, मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। सिंस इस बार हमारा ट्रिप जो है वो पहाड़ों का है, तो कपड़े हो गए हैं थोड़े ज़्यादा। ये हैं वियान के कपड़े, और मैंने अपने कपड़े जो हैं वो ऑलरेडी पैक कर लिए हैं। मतलब अभी पूरी पैकिंग नहीं है, एक आधा जैकेट मेरी भी बची है और वियान की भी बची है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस सूटकेस में हमारा सामान पूरा आएगा, तो एक आधा बैग और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सामान पैक करके हम निकल चुके हैं अपने अगले ट्रिप के लिए, जो कि है उत्तराखंड। और जो एग्जैक्ट जो डेस्टिनेशन है वो तो आपको आने वाले टाइम में पता चली जाएगी। वियान मुंह मत फाड़ो। और ये मेरा पहला ट्रिप है वियान के साथ अकेले, क्योंकि नॉर्मली जब भी मैं वियान ट्रैवल करता हूँ तो वियान होता है और साथ में या तो अंशिता रहेगी या कृति। तो इस ट्रिप को लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, साथ में थोड़ा थोड़ा एंक्शियस भी हूँ, बट एक चीज की गारंटी है कि मजा बहुत आने वाला है। चलो जी, थैंकफुल करने के लिए बोल दिया है, तो सबसे पहले तो गाड़ी की पेट पूजा होनी चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी का पेट नहीं भरा होगा तो काम कैसे चलेगा हमारा। चलो जी, पेट्रोल भरा लिया है, पेट्रोल हो गया 2000 का, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल था, तो आई थिंक 1700 के आसपास कट लग गया था, बट मैंने उसको 2000 करवा के पूरा ऊपर तक भरवा दिया है। सो टाइम इस वक्त हो रहा है 9:05, और अभी मैंने पेट्रोल डलवाया है यहाँ सरोजनी नगर के पास। और जो ट्रैवल टाइम हमको दिखा रहा है गूगल मैप्स, वो है 6:54, और अराइवल टाइम है 4 PM। सो इस वक्त हम हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे। जब सरायकाले खां से मैं उस पर चढ़ा तो स्पीड लिमिट आ रही थी 70, तो आई वॉज वंडरिंग कि भाई ये क्या चक्कर है, कैसा एक्सप्रेस वे है जहाँ की स्पीड लिमिट 70 है। बट अब थोड़ा सा आगे आया हूँ तो अब वो स्पीड लिमिट चेंज हो गई है, नाउ इट इज 100। सो भैया, इस वक्त हम अप्रोच कर रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस वे का पहला टोल प्लाजा। मौसम क्या जबरदस्त हो रहा है, मतलब एकदम ऐसे हल्की हल्की धुंध छाई हुई है, मजा आ रहा है ड्राइव करने में। तो वियान फाइनली अपना एंटरटेनमेंट देख के और खा पी के अब सोने की तैयारी में। सो इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ NH 58 पे, जो कि मेरठ का बाईपास रोड है। जितना मज़ा मेरे को एक्सप्रेस वे में चलाने में आ रहा था, और अब ये देखो सामने ऐसा लग रहा है बिल्कुल इट्स लाइक अ सिटी ट्रैफिक। ये देखो सामने ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो, नंबर देखो इसका, जरा चलान होना चाहिए ऐसे नंबरों पे। तो ये देखिए नौटंकी को जगह पड़ा है, खुल गई नींद भाई साहब, नींद खुल चुकी है आपकी। हैं, ज्यादा देर नहीं सोए तुम? हाँ, only 45 minutes। हाँ, ये तो जस्ट अ नाटक। सो इनिशियली जो रास्ता हमें बता रहा था गूगल मैप वो था ये देवबंद और सहारनपुर वाला, बट एक कट मिस हुआ और हम थोड़ा सा आगे आ गए, तो अब ये रुड़की वाले रास्ते पे हम, बट आगे जाके अल्टीमेटली मिल जाएगा, और आई थिंक ये थोड़ा फास्टर भी है उससे। जब से घर से चले हैं तब से एक बार भी सूरज नहीं दिखा है, मतलब इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। सो यार, ये स्ट्रेचिंग ब्रेक लेने के लिए हम रुके हैं। मैं तो ऑलरेडी ले चुका था उस टाइम पे, वियान सो रहा था, बट अभी वियान ने अभी जब सो के उठा है तो उसके बाद उसने बोला कि भाई मेरा तो स्ट्रेचिंग ब्रेक नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप गाड़ी रोको, मेरे को भी स्ट्रेचिंग ब्रेक करना है। ये देखो ये लगे हुए हैं भाई साहब स्ट्रेचिंग करने में। तो यार, जहाँ पे अभी हम रुके हैं ये रुड़की के आसपास वाला एरिया है, और भाई क्या मज़ेदार मौसम हो रहा है, मतलब इतनी यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है, और प्लस यहाँ पे ग्रीनरी इतनी है कि मतलब चारों तरफ यहाँ पे ऐसे गन्ने के खेत हैं, जैसा कि आप देख सकते हो पीछे है, और ये अक्रॉस द रोड, और प्लस दोनों तरफ गन्ने के जूस बिक रहा है। तो यार यहाँ पे तो ब्रेक लेके मज़ा आ गया। जिस तरीके से बादल एकदम ऐसे घिर के आए हुए ना, ऐसा लग रहा है बहुत जबरदस्त बारिश होने वाली है। गूगल ने एक गलत रास्ते पे मोड़ दिया, बट यहाँ पे तो भाई साहब क्या नजारे हैं, मजा आ गया। ये गलत रास्ता भी इतना खूबसूरत रास्ता है ना, मतलब मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में यहाँ पे। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए, बट आई थिंक हम जल्दी हाईवे पे आने वाले हैं। फाइनली बारिश मिल ही गई। ये यहाँ से शकुंभरी देवी, इधर लिखा है लेफ्ट लेने को, तो यहाँ से लेफ्ट लेते हैं। और ये कौन सी जगह है जिसको भी हम क्रॉस कर रहे हैं, ये है
छुटमलपुर, छुटमलपुर क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त हम। व्यान ये देखो आम के बाग, कितने फूल आए हुए हैं पेड़ों पे, आम आने वाले हैं भाई साहब। ओ क्या ताबड़तोड़ बारिश आई है, बाप रे बाप। चलो भैया अपनी स्पीड जरा स्लो डाउन कर ली जाए। लुक एट द पुल, अब एक एक करके ही जाएगी। ये देखो ये आए चाचा चौधरी, ये जाएंगे सबसे पहले। विकास नगर है 49, पोंटा साहिब 51 एंड शकुंभरी देवी 16 किलोमीटर्स। सो टाइम इस वक्त हो रहा है 1:27 और हम क्रॉस कर रहे हैं बेहट। सो फाइनली हमने हिल क्लाइंब करना शुरू कर दिया है। व्यान बहुत देर से पीछे पड़ा हुआ था कि पापा कब आएगी पहाड़ी, कब आएगी। सो फाइनली अब पहाड़ी तो आ चुकी है, जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है। और एक जगह अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे एक ये रिवर बेड है सूखा हुआ, तो बस थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक भी ले रहे हैं। और बारिश तो कंटिन्यूस चल रही है भाई, बारिश तो मतलब छुटमल था क्या, कौन सी जगह थी, छुटमल थी पता नहीं कौन सी जगह थी, वहाँ से जो बारिश शुरू हुई है तब से कंटिन्यूस बारिश चले जा रही है नॉन स्टॉप, कभी तेज कभी धीरे, बट चल रही है। कौन से द्वार बन रहे हैं ये, ये कुछ एंट्री पॉइंट बना रहे हैं यहाँ पे कालसी के लिए। थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी सी जो पहाड़ियाँ आई थी वो तो सब खत्म हो गई, अब वापस से ऐसा प्लेन सा रास्ता आ गया है। बहुत ही सुंदर रास्ता है यार, मतलब ये चारों तरफ ये ऐसे दोनों तरफ ऐसे लंबे लंबे पेड़ और क्या मस्त मक्खन जैसी सड़क। देहरादून इज 34 किलोमीटर राइट, यमुनोत्री है 156 किलोमीटर और विकास नगर कितना रह गया 5। सो टाइम इस वक्त हो रहा है 2:30 बज रहे हैं और बाहर का मौसम देख के ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 5-6 बज चुके हैं। और अभी भी हमारे को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो है 59 किलोमीटर और टाइम जो लगेगा उसको ट्रैवल करने में वो है 1:53। सो जो हमारा अराइवल टाइम है वो है 4:24। सो टाइम इस वक्त बज रहे हैं 3 और अभी भी हमें 1 घंटा लगेगा पहुंचने में अपनी डेस्टिनेशन। बारिश कंटिन्यूस होए चली जा रही है, ये चीज़ मैंने नहीं चाही थी कि बारिश कंटिन्यूस होती रहे। आई मीन वो तो खैर मेरे हाथ में नहीं था बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा ना हो। बट जो हमें इनिशियली जो पहाड़ियाँ मिली थी वो तो खैर बहुत छोटी छोटी सी थी। उसके बाद विकास नगर आया तो दैट वाज लाइक अ वैली प्लेन एरिया था। बट अभी जो डेस्टिनेशन पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे भी अभी कंटिन्यूस बारिश हुए चली जा रही है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं पहुँच जाऊँ अपनी डेस्टिनेशन, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा बारिश थोड़ा सा रिस्की अफेयर हो जाता है एंड विद व्यान अराउंड मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपने होटल पहुँचूँ और ये ट्रिप वहाँ पे मतलब आज का जो ट्रिप है वो एंड हो फटाफट। कंटिन्यूस बारिश होती जा रही है, रुकी नहीं रही है, पता नहीं क्या है। चलो ये अच्छी बात है कि आराम आराम से हो रही है, मतलब ड्रिजलिंग टाइप है, बहुत तेज नहीं हो रही है, नहीं तो पहाड़ों में तो बादल फटने का बड़ा वो रहता है। व्यान आप अंदर रहो। बादल ही बादल, पूरा बादलों से घिरा पड़ा है। लुक एट द फॉग, ये तो कुछ मीटर के बाद बहुत धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। अरे भैया कब पहुंचेंगे। चलो यार रूम तो बुक हो गया है, मैंने बुकिंग कराई नहीं थी एक्चुअली, मैं ऐसे ही आ गया था बिना बुकिंग के क्योंकि ऑफ सीज़न है तो मेरे को पता था होटल तो मिल ही जाएगा, उसमें ऐसा नहीं है कि रूम नहीं मिलेगा मेरे को। तो बट एक थोड़ा सा सस्पेंस ये हो गया मेरे साथ कि मैं होटल की बजाय एक आर्मी वाले एरिया में मैं नीचे उतर गया
ओ भाई, वहां पे गाड़ी मैंने पता नहीं कैसे उतारी और कैसे निकाली। निकाल तो लिया अब जैसे तैसे करके, मेरे को तो लग रहा था फंस गई आज गाड़ी। तो एक वो थोड़ा गलत चला गया था मैं, बट फाइनली मैं अपने जिस होटल में मेरे को रुकना था तो मैं वहां पे आया, और अब मेरा रूम हो चुका है बुक। बट वही है कि यहाँ पे अब बारिश चल रही है कंटिन्यूस, तो पता नहीं यार, सारा प्रोग्राम ही पोपट हो गया। मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा कहीं मैं निकल पाऊंगा अगर ऐसी बारिश चलती रही तो। सो यार, ये बेसिक सा रूम हमने बुक किया है जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। और ये तो था रूम, यहाँ पे वॉश बेसिन है और ये है बाथरूम। सो भैया, रूम मेरे को पड़ा 1300 रुपये का। तो बहुत फैंसी रूम मेरे को लेना नहीं था क्योंकि मैं ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था पैसे रूम रेंट पे। बट एक चीज़ है कि यहाँ से जो व्यू है वो बहुत अमेजिंग है। मतलब अभी तो खैर बहुत बादल हैं और काफ़ी धुंध हो रखी है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बट जिस तरीके से ये पहाड़ हल्के हल्के मेरे को दिख रहे हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कैमरे में दिख रहे होंगे, तो व्यू तो बहुत अमेजिंग है यहाँ से। एक मटर पनीर कर दो, एक येलो दाल तड़का, हाँ पीली वाली, ठीक है, और तवा रोटी हो जाएगी। हाँ पॉलिटी तो तवा रोटी कर दो। पॉलिटी हो जाए हाँ, और सॉरी रोटी हो जाए और तवा रोटी कितनी, मतलब कितनी बड़ी है, पतली सी होती है, वो काफी बड़ी होती कितना एक जने के लिए कितनी चलेगी? खाने के हिसाब करके जी, कोई 3 खाता कोई 4 खाते अच्छा और साथ साथ मिल जाएंगे, अच्छा साथ मिल जाएगी साथ साथ मिल जाएगी, बनाएगी ताजी ताजी गरम गरम आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये कितने कर दो, 7 साढ़े 7 तक। ऐसा क्यों? हाँ 7:30 तक है ना, ठीक है ठीक है, थैंक यू। सो यार, डिनर हम लोगों ने कर लिया है और डिनर करने के बाद हम सोने की तैयारी में हैं। अच्छा, एक्चुअली ये बारिश और इस सब के चक्कर में बताना भूल गया कि हम आए हुए हैं चकराता, और टाइम इस वक्त हो रहा है 9:40, और इस वक्त भी बारिश चल रही है, मतलब नॉन स्टॉप चल रही है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ घूम पाऊँगा, और आसपास के एरिया में भी मैंने जो चेक किया है वो हर तरफ बारिश ही बारिश दिखा रहा है। तो अब मैं देखता हूँ यार, रियली मेरे को भी नहीं पता कि मैं कल क्या करूँगा, कि वापस मैं घर जाऊँ या कोई देखता हूँ कोई और आसपास की डेस्टिनेशन कोई पता चलती है, सर्च मारता हूँ, अगर वहाँ पे बारिश का फोरकास्ट नहीं हुआ तो वहाँ जाऊँगा। तो यार अब जो भी कुछ होगा वो कल ही पता चलेगा। तो चलो यार, आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। बाय बाय।